सो हे गाइस, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। आज चलेंगे हमारे ऑफिस। ठीक है समरिया, बहुत दूर जाना पड़ता है गाइस। देखो ये क्या हाल कर रखा है, अपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ती है। आज भी बहुत दिन बाद मैं अपने ऑफिस आ रहा हूँ। देख ले तो मैं पहले लेट, ऊपर से ये फाटक बंद कर दी। भाई खोल दे यार, ये भगवान क्या जुलुम है गाइस। इस फाटक की वजह से तो साथ यहीं बच गए हैं और अभी तो मेरे को जाने में कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा। यार ये क्या बकवास है यार, जहाँ देखो वहाँ पे यार ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। भाई यार मैं अगर डाइट पे ना होता ना, मैं पक्का ये बर्फी वाले की ना बर्फी खाता। कंट्रोल, अब मेरे को इस आइटन का जहाज बनाना ही पड़ेगा। अरे अठले पर इन वो ताऊ उड़ा दो। लो भाई ऑफिस तो भी सजा रखा है एक नंबर। सो गाइस ऑफिस तो पहुंच गए, अब चलते जल्दी से ऊपर। दिस इज माई ऑफिस और ये थोड़ी सी सजावट कर रखी है क्रिसमस के चक्कर में। तो मैं सब गया, सब छुट्टी पे, सारा का सारा फ्लोर खाली पड़ा हुआ है। हाँ भैया मेरे को लगा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम पड़ा होगा, पर लेकिन ये देखो काम बहुत ज्यादा है। चल झूठा भैया, कॉफी बना दो यार। दो इन लोगों ने तो बिल्कुल मनुष्यत फैला रखी है, ये सब कैसे काम बांटती फिर रही है। भाई तूने सबको दे दिया ना काम। ये क्या है, क्यों नाच रही है, क्या हो गया, गाने थोड़ी बज रहे हैं। आप अपने घर पे करते ना ये, आप ये घर की सब्जियां यहाँ पे किसने काट रहे हैं। घर पे टाइम नहीं कट रहे, इसे सोचा कि ऑफिस वाले सब्जी काट रहे हैं। पैसे नहीं है ना इसके पास, इसीलिए ना। मैं तो उसे बहुत महंगा खाना आ रहा था। अभी गरीब को एक आशा की किरण दिखाई दी, आशा के खीरे दिखाई दिए तुम्हें। ठीक है इसने बनाया ये मुजस्मा। भाई क्या है ये, मैं बोल रही थी चल ना चाय पीने चलता, काम तो है नहीं। चल 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 चलो गाइस, करने के लिए तो कुछ है नहीं, अभी एक बार चल करके चाय पी करके आते हैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। अरे यार कहाँ है भाई ये चाय की दुकान। यार वहीं पे तो थोड़ी सी आगे है। क्या खुली मिलेगी? हाँ हाँ मिलती है, रात के टाइम पे वहाँ पे एक शॉप खुली होती है। अरे बोरो 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 चाय वाला यहाँ पे रुक ले। बोरा कहाँ पे है यार, यहाँ पे लगा रहा हूँ, तू ले जाके। ठीक है। अबे यार ले आ यार, कितना टाइम लगाएगी यार चाय लेने में, कितना टाइम कैसे लगता है यार। ले आ ले आ ले आ यार, जल्दी ले आ। चलो भैया तो गई गाइस, मैं तो चाय पीऊंगा ना। अबे ये कौन है, कोई दोस्त वोस्त मिल गया। अबे 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 ये क्या हुआ, क्या फोन लेके? अरे तू बैठ 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 जल्दी यार। अबे चल चल। अबे यार तू पागल है क्या, तू यार ध्यान रख लेती ना यार। कहाँ, अबे यार अबे कहाँ चला गया यार अब वो। अरे नहीं यार वो सीधा सीधा भागा था यार। क्या बोला तेरे को यार, पता नहीं आया मेरे को, कह रहा आपको ये पता पता है, फिर कह रहा मेरा फोन नहीं चल रहा, उससे बात करनी है। हाँ अबे यार यार तेरे को ध्यान रखना था यार, तू वो फोन को थोड़ा कस के पकड़ लेती यार। यार ऐसे यार किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए यार। कहाँ ढूंढेंगे भाई यार, ये तो बिल्कुल सुनसान सा रोड आ गया यार, यहाँ पे कहाँ पे ढूंढेंगे। उसी सुनसान पड़ा हुआ यार, क्या कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है ये, देखियो यही है पक्का ये। ओए तू कहाँ भागेगा, हम चतर को रुक रुक जा रे, रुक जा रुक जा। भाई कहाँ चला गया ये, भाई कैसा सुनसान सा रोड आ गया भाई, पता नहीं वो तो कहाँ पे चला गया। यहाँ पे अब दो रास्ते आ गए, एक लेफ्ट एक राइट, पता नहीं किस तरफ गया। ये मेरे को लग रहा है कि ये इन्हीं का ही एरिया है, उससे पहले ऐसे बाहर निकलते हैं और इसकी कंप्लेन कर। नहीं भाई वो भाग गया यार, आगे जाके ना कोई टी पॉइंट था यार। जल्दी बैठ। हाँ यार सबसे पहले चल के ना कंप्लेन करते इसकी। सो गाइज अब यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन देखते हैं पास में, उसको जा करके फिर कंप्लेन करेंगे। सो गाइज ये पुलिस स्टेशन आ गया है, इस पर जाकर जा करके मैं कंप्लेन करके आता हूँ, एक सेकंड रुक दो। सो गाइज पुलिस में हमने कंप्लेन तो कर दी है, पर अभी कुछ भी नहीं पता। मैंने पुलिस वालों को सारा सारा एड्रेस बता दिया, अब ये लोग यूँ कह रहे कि हम इन्वेस्टिगेट करके तुम्हारे पास फोन कर देंगे। उन्होंने बोला कि हम जा करके इन्वेस्टिगेट कर ले, हम तुम्हारे पास फोन कर दें, तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया है। ऑफिस तो आ गए, अब उन पुलिस वालों के फोन का वेट है। यार तू पागल है यार, तुमको ना यार ध्यान रखना चाहिए था।
सो गाइस पूरी रात इसी गेट में ही निकल गई कि पुलिस वालों का फोन आएगा और वो कुछ बताएंगे, बट लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सो गाइस इन लोगों ने यहाँ पे कल सुबह आकर के रिपोर्ट करने के लिए बोला है। अब मैं तो शायद यहाँ पे कल नहीं आ पाऊंगा, बट लेकिन मैंने अर्षिता को बोल दिया कि वो जाकर के रिपोर्ट कर देगी। गाइस अब वापस ऑफिस आने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अब मेरा मन कर रहा है कि यार घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है। गाइस सुबह का टाइम हो गया और धुंध भी स्टार्ट हो गई, अब घर जाते जाते मेरे को लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई गाइस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अब ये खेतों वाला रास्ता है आगे और यहाँ पे बिल्कुल, अरे यार ज्यादा गंदा शीशा हो रहा है। मैंने रास्ते में रुक करके अब यहाँ से पानी लेकर के मैं डालूंगा, पता नहीं भाई ये किसकी की क्या जगह है। थोड़ा सा तो क्लियर हुआ है, अभी चल के देखते हैं। भाई हमें एक ये ट्रक मिल गया आगे, अब मैं इसके पीछे पीछे रहूंगा ताकि मेरे को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, अपनी आंखों पे जोर ना डालना पड़े। अब ये आगे आगे चलता रहेगा देखते हुए और मैं धीरे धीरे इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा। उस वाले ट्रक का पीछा छोड़ के ये मैंने इस वाले ट्रक का पीछा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसके रंगीन लाइटें हैं, अब मैं इसके पीछे पीछे चलूंगा। और ये रंगीन लाइटों वाला ट्रक मैंने इसलिए चूज करा ताकि मैं अभी इसके पीछे चलते हुए बोर ना हूं। भाई अभी ट्रक ने भी देखते देखते बोर हो गया मैं। यार इसने तो रोक लिया यहीं पे, अरे भैया मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। ओ आज तो मैं आ गया हूं, बट जिस दिन भी धुंध पड़ेगी ना भाई मैं गाड़ी से नहीं आऊंगा, अब या तो मैं मेट्रो से या फिर कैब से। लोग गाइस जैसा मैंने कहा था बिल्कुल सेम चीज हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा सामने से। अरे आंटी कहाँ आ रहे हो आप, ये रास्ते में आपको दिख रहा होगा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मैं उड़ा दूंगा भाई, कोई मत आना मेरे आगे। तो गाइस ये भाई यूं बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी का चलते चलते टायर पंचर हो गया और फिर एकदम सही है जाकर के उस खंभे में लग गए। शुक्र है कि भी किसी को लगी नहीं है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं पहले क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह को तो फोन कर दिया है इन लोगों ने, कोई ना कोई आ जाएगा ना। आगे से तो बिल्कुल ही टूट गया है। गाइस आते टाइम भी ये फाटक बंद थी और अब जाते टाइम भी ये फाटक बंद है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सुबह हो गई है घर आते आते और मेरी भी हालत ऐसी हो गई, बिल्कुल थक गया मैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। या तो जिम में जाऊंगा या फिर सो जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर दो।